हेलो साथियों, नमस्कार, प्रणाम, दुआ, सलाम। मैं हूँ डॉक्टर लोकेश बाली। प्यारे साथियों, जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपसे हमने एक नियम बनाया है। उस नियम में क्या है कि जो भी हम वीडियो बनाते हैं उसके अगले दिन एक अगला वीडियो बनाते हैं। उस वीडियो में जो भी कमेंट्स आए हैं उनको हम वीडियो फॉर्मेट में सबको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो था कि PhD कंपलसरी, सच्चाई जान लो, क्यों डरा रहे हो। ये जो वीडियो था जिसमें एक रूमर चले थे कि झारखंड से एक कटिंग चली थी और उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि भाई PhD को कंपलसरी कर दिया गया है। मैंने उसकी सच्चाई बताने की कोशिश की है उस वीडियो के अंदर। तो आप चाहो तो आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाकर डिटेल में वो वीडियो देख सकते हो। अगर मोटा माटी में बात करूँ, उस वीडियो मैंने ये बताया था कि भाई PhD जो कंपलसरी होने जा रही है या होगी आगामी समय में, वो केवल यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर होगी। अभी जो कॉलेज एजुकेशन में ऐसा नहीं होगा, मतलब जैसे RPSC, BPSC और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो अलग से वैकेंसी निकालते हैं उनमें ये चीज़ें लागू नहीं है। केवल जो यूनिवर्सिटी कैंपस के अंदर जो वैकेंसी निकलती हैं संभवतः वहाँ पर लागू होने वाली हैं। तो ये सभी बात जानना चाहते तो वीडियो को देख लेना। उस वीडियो में मेरे बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, चलिए अब हम उन कमेंट्सों का रिप्लाई करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। सबसे पहले कमेंट आया सिद्धार्थ का। सिद्धार्थ कहते हैं, साथियों, सर आई हैव वन डाउट, अगर नेट के आधार पर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब मिल जाती है तो क्या बाद में PhD करने का ऑप्शन है, प्लीज रिप्लाई। सिद्धार्थ भाई, बिल्कुल 100% है। अगर आपको नेट के आधार पर PhD में असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो तो उसके बाद में आपको PhD करने का ऑप्शन रहता है। और ये एजुकेशन विभाग में ये इस चीज़ की सुविधा दी गई है कि कोई भी शिक्षक अगर अपनी एजुकेशन को इम्प्रूव करना चाहता है तो एजुकेशन विभाग उसका साथ देता है। और जी हाँ, आप PhD कर सकते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के दौरान। इनफैक्ट ये कहते हैं कि बहुत सारे ऐसे प्रोफेसर हैं जो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए और बाद में जाकर उन्होंने PhD या शोध कार्य किया, तो ऐसा बहुत सारे केसों में होता है। तो जी हाँ, आप ये काम कर सकते हो। स्वाति का एक कमेंट है। स्वाति कहते हैं, मेरा ग्रेजुएशन में साइकोलॉजी है, ऑनर्स था, और MA इग्नू से हिस्ट्री में करना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? फ्यूचर में नेट करने के बाद असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए क्या कोई दिक्कत होगी? देखो स्वाति, बिल्कुल आप कर सकती हो। आप हिस्ट्री से करो या किसी और सब्जेक्ट से करो, जी हाँ बिल्कुल आप 100% MA कर सकती हो। ऐसा कहीं भी कंपलसरी नहीं है कि आपका ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होगा आप उसी से ही MA कर सकती हो, और अगर ऐसा करोगी तो आपको बाद में कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप इग्नू से करिए, हिस्ट्री से करिए, किसी और सब्जेक्ट से करिए, कोई समस्या की बात नहीं है। और आपको उसके लिए नेट पास करना पड़ेगा और हो सके तो PhD भी कर लेना और आप एलिजिबल हो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, यानी कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाली। अगला कमेंट मिला है हमें जोशी जी की तरफ से। वो कहते हैं कि सर मैं BSc फिजिक्स का स्टूडेंट हूँ, मुझे रिसर्च में जाना है पर बहुत लोग डरा देते हैं, PhD IIT से करके भी स्कोप नहीं है ETC पर। सर न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद टीचर असिस्टेंट प्रोफेसर की स्कोप और जॉब के बारे में बताइए प्लीज। जोशी भाई, देख सीधी सी बात ऐसी है, आप ध्यान से सुनिए मेरी बात। लोग तो कुछ भी कहते रहेंगे, अगर आप नहीं पढ़ोगे तब भी लोग कहेंगे कि यार पढ़ नहीं रहा है, कुछ आगे बढ़ोगे तब भी लोग कहेंगे कि यार बहुत ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो ऐसा कर क्या रहा है? देखो क्या है, देखो गधों को तो आज भी कोई नहीं पूछता और बाद में भी कोई नहीं पूछेगा, और घोड़ों की मांग वैसा हमेशा रहती है। मेरा कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि आपको इस प्रकार के लोगों की बातों पर ध्यान नहीं देना है, पहली बात तो। और आप अभी से ही, पौधा लगा नहीं उससे पहले ही डराना शुरू कर दिया है। यार आज बच्चा पैदा हुआ है, पहली क्लास में अगर कोई स्टूडेंट बैठ रहा है तो उसको ये कहकर रोक देंगे कि नहीं नहीं आगे स्कोप नहीं है, पढ़ाई लिखाई का कुछ वो नहीं है, इसको तो पढ़ा कर क्या फायदा है। अरे आप पढ़ो तो, काम तो करो, आगे तो बढ़ो, और साइंस में बहुत स्कोप है भाई। ये जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज को कौन चला रहा है, कहां से लाएंगे? अगर आप जैसे लोग डर कर बैठ जाएंगे तो कहां से प्रोफेसर लेके आएगी गवर्नमेंट, सोचिए आप। तो ऐसे नकारात्मक लोगों की बातों पर ध्यान मत दीजिए, कंप्लीट कीजिए BSc MSc कीजिए, देन आप रिसर्च के फील्ड में आ जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसे जो भटकाने वाले, मार्ग को रोकने वाले जो लोग हैं उनसे आप दूर रहिए। चलो अब मैं अगला कमेंट देख लेता हूं किसी का। रंजना कुमारी का कमेंट है अगला।
कि सर मैं पीजी कर रही हूँ सोशियोलॉजी से, किसी यूनिवर्सिटी का नाम लिखा है से, अब क्या करूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ और मैं पीएचडी भी करना चाहती हूँ। देखो भाई रंजना, अभी आप पीजी कंप्लीट कर लीजिए और नेट की तैयारी शुरू कर दीजिए, और साथ के साथ आप पीएचडी में एडमिशन के लिए फॉरम अप्लाई करना शुरू कर दीजिए। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँगा, आपको अगर टीचिंग लाइन में ही जाना है तो बीएड वगैरह के लिए भी अप्लाई कर दीजिए। तो जैसे ही पीजी कंप्लीट होगा, आप दो तीन चीजों में एनरोल करोगी तो आपको कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी और उसमें आप फिर आगे बढ़ जाना। तो टीचर की जॉब के साथ आप पीएचडी भी कर सकते हो, ये लीगल है, गवर्नमेंट इसकी अनुमति देती है। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। एजुकेशनल ब्रांच कहते हैं, सर मैं तो बहुत निराश हो चुकी थी इस खबर को सुनकर, सर आपका वीडियो देखा तो बहुत अच्छा लगा, धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशनल ब्रांच आपको बिल्कुल घबराने की डरने की आवश्यकता नहीं है, आप अपना लक्ष्य को लगातार हासिल करते जाइए, आगे पढ़ते जाइए, बिल्कुल आप लोगों को सफलता मिलेगी और ऐसी चीज़ों पर आप ध्यान मत दीजिए। स्वप्निल यादव कहते हैं कि नमस्ते सर, जो छात्र प्राइवेट एमए किया है हिस्ट्री से, तो क्या वे पीएचडी में एडमिशन ले सकता है? किसने कहा स्वप्निल के एडमिशन नहीं ले सकता बड़े भाई? आप पीएचडी करो, आप रेगुलर मोड से करो, प्राइवेट मोड से करो, वो आपकी मर्जी है, आप बिल्कुल आप ले सकते हो यार, आप ऐसी बातों पर ध्यान मत दीजिए, बिल्कुल आप पीएचडी कर सकते हो, उसमें कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटी है या फिर सरकारी यूनिवर्सिटी है या फिर आप प्राइवेट तरीके से रेगुलर या नॉन रेगुलर जिस भी तरीके से करो, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए बस, केवल, और आप कर सकते हो। सर क्या नेट पास हो तो पीएचडी कंपलसरी है? पीएचडी एस्पिर नहीं 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 राहुल, ये सवाल आपने वीडियो देखा नहीं, इस वीडियो मैंने यही बताया था कि अगर आप नेट पास हो तो आप पीसीएस के थ्रू जो वैकेंसी निकलती है, जो सबसे ज्यादा जो वैकेंसी निकाली जाती है, उसमें आप एलिजिबल हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीरज कह रहे हैं लोकेश सर इज बेस्ट, ओके। सर हमको कैसे पता चलेगा कि पीसीएस की वैकेंसी कब निकली है और कब उसके फॉर्म भरे जाएंगे? सोनिया डागर, सोनिया जी कोई बात नहीं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, मैं यहाँ पर आपको समय समय पर जो भी वैकेंसी आती हैं उनकी वीडियो बनाकर अवगत कराता रहता हूँ। और सुनिए आप सब लोग ही, आपके मन में भी कोई सवाल जागृत हो रहा हो किसी प्रकार का, किसी से भी संबंधित कोई बात हो तो आप कमेंट्स कर दो, मैं उसका भी रिप्लाई आपके लिए कर दूंगा। एके कह रहे हैं, एके हेलो सर, मेरे पास जेआरएफ है, सो पीएचडी स्टार्ट करने के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं कि आप जॉब कर लेना इन दो ईयर में, कुछ लोग कह रहे हैं जब तक पीएचडी चलेगा तब तक मत करना जॉब, सो क्या करना चाहिए? देखो सर, मेरे पास जेआरएफ है, सो पीएचडी स्टार्ट करने के बाद कुछ लोग बोल रहे हैं, आपने पीएचडी स्टार्ट कर लिया एक बार, इस पर कन्फर्म नहीं हुआ है? देखो अगर आप इसने आपका पास जेआरएफ है और अगर आप जेआरएफ है तो आपको जॉब करने की आवश्यकता है नहीं, अगर आप वैसे अगर नॉन गवर्नमेंट जॉब करो तो उसकी आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आपको फेलोशिप मिलेगी तकरीबन 35,000 से 40,000 रुपए के बीच में। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट के लिए 35,000 से 40,000 रुपए का जो अमाउंट होता है काफ़ी होता है, और उससे घर खर्च भी चल सकता है, खुद का खर्च भी चल सकता है, तो आपको 4-5 साल वैसे भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मुझे नहीं लगता कि आपको जॉब करने की आवश्यकता है अगर आप जेआरएफ और पीएचडी में, तो आपको फेलोशिप मिलेगी तो आप तरह तरह के झंझट में ना पड़े, उससे बेहतर है कि आप कुछ अपना और क्रिएटिव आइडिया से काम करें और पीएचडी भी साथ के साथ करते जाएं। एम कह रहे हैं कि सर मैं पीएचडी पॉल साइंस में करना चाहती हूं, बट आई एम कंफ्यूज फ्रॉम विच गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी शुड आई गो विथ, मतलब बीएचयू जेएनयू, मतलब कई उदाहरण दिए हैं। देखो क्या है बेटा, ये कॉम्पिटिशन का दौर है मिस्टर एम, तो अब तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जहां आपको एडमिशन मिल रहा है, चाहे डी यू हो, जे एन यू हो, बी एच यू हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, चाहे स्टेट यूनिवर्सिटी हो, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, बात कर रहा हूँ, वहाँ पर ले लो, मैं यही कहूँगा कि एडमिशन आप ले लो बस, क्योंकि हम डी यू जे एन यू के भरोसे बैठे रहेंगे तो भाई कब वैकेंसी निकलेंगी, सिलेक्शन हो या ना हो, तो आप कहीं से भी करो लेकिन कर लो, मेरा कहने का मतलब ये है। हमारे पास ये च्वाइस नहीं है कि भाई यहाँ से करनी है या कहीं और से, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा है, पी एच डी करना उतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना पीएचडी में एडमिशन लेना मुश्किल है। तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगा कि जहां एडमिशन मिले कर लीजिए। तो साथियों मैंने कुछ बेस्ट कमेंट्स आपके यहां पर ले लिए हैं, आप भी कमेंट्स करना, और ताकि मैं उनका रिप्लाई इसी तरीके से कर सकूं, तो आप लोग कमेंट्स करना आपका जो भी सवाल है, जो भी सुझाव है। तो साथियों इस वीडियो में जुड़ने के लिए आपका खूब धन्यवाद, तब तक स्वस्थ रहो, मस्त रहो, और जिस वीडियो की मैं बात कर रहा हूँ ये वाला वीडियो ही है, धन्यवाद।